वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस। आज हम इस लेक्चर में क्लास 9 के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जो आपकी एक्सरसाइज है 4.3 वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें मेन टॉपिक हमारा क्या है, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हाँ, लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, उसका आपको ग्राफ बनाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, x की वैल्यूज अपनी तरफ से आप रखोगे, पुट x इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है आप 0 रखेंगे, आप कोई अदर वैल्यू भी रख सकते हैं, यू आर फ्री टू पुट एनी वैल्यू। पुट x इक्वल टू 0, 0 प्लस y इक्वल टू 4, यू गेट y इक्वल टू 4। दैट मींस जो आपका पॉइंट मिला, आपको जो सॉल्यूशन मिला वो आपको क्या मिला, 0.4। 0 रखने पे आपको 4 मिला। नेक्स्ट इज पुट x इक्वल टू 4। अब मैंने x के प्लेस पर 4 रखा तो आपको मिलेगा 4 प्लस y इक्वल टू 4, यू गेट y इक्वल टू 0। तो पॉइंट आपको क्या मिला, 4.0। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और ज्यादा भी ले सकते हैं। अब मैंने एक टेबल बनाई है, उस टेबल में ऊपर x लिखा है, नीचे y। तो आपने x की वैल्यू सबसे पहले क्या ली थी, 0, और y आपको क्या मिला था, 4। फिर ऐसे ही x आपको क्या रखा था आपने, 4, और y आपको क्या मिला था, 0। इस तरीके से ये टेबल हमारी बन गई। हर क्वेश्चन में आपको अपनी तरफ से x की वैल्यू रखते जाना है, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा और ये टेबल मिल जाएगी। टेबल मिलने के बाद हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी और एक वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, एंड वाई एक्सिस ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। यहां पर 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मार्क लगा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ऐसे ही वाई एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, सिमिलरली -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और y एक्सिस पर भी -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो पहला वाला पॉइंट आप देखो कितना है आपका, 0 पे आपको 4 मिल रहा है, तो आप x एक्सिस पे कितना चलोगे, 0, ये रहा। और यहां पर आने के बाद आपको कहां जाना है, y आपका 4 है तो अपर साइड में जाएंगे आप, 1, 2, 3, 4, दैट इज द पॉइंट 0.4। ओके, नेक्स्ट इज 4.0। तो 4 आपको कहां चलना होगा, ये वाला 4 x एक्सिस पर, 1, 2, 3, 4, और y एक्सिस का यहां पर 0 है, तो ये आपका पॉइंट हो गया 4.0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना होगा, विद द हेल्प ऑफ स्केल इनको ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और वो लाइन ही आपकी क्या होगी, x प्लस y इक्वल टू 4, नेम्ड एज PQ। जो कोऑर्डिनेट से वो हमने PQ से शो कर दिए, x प्लस y इक्वल टू 4, इट इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन विच यू कैन फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिव टू लाइंस, आपको इक्वेशन बतानी है टू लाइंस की, दो लाइन की इक्वेशन बतानी है और वो इस पॉइंट से पास होना चाहिए, 2.14 से पास होना चाहिए, और ये भी बताना है कितनी लाइनें ऐसी हो सकती हैं। ओके, नोट दैट आपका पॉइंट क्या है, 2.14, इससे आपकी इक्वेशन पास हो रही है और दो लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है। तो ये वाला पहला वाला जो है वो आपको पता है एफ सीसा होता है एक्स, और दूसरा वाला आपका वाई होता है ऑर्डिनेट। तो आपको इक्वेशन लिखनी है सिंपल, तो सीधा सीधा एक बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, x प्लस y। आप देखो व्हाट इज द x, 2, व्हाट इज द y, 14। आपको x प्लस y करेंगे तो 2 और 14 का क्या करोगे, सम करोगे, तो कितना मिलेगा, 2 प्लस 14 इक्वल्स टू 16। तो x प्लस y इक्वल्स टू 16, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। फर्स्ट एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, उसने पूछा है ना दो लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो एक लाइन की इक्वेशन ये आ गई आपको। दूसरी लाइन हम ऐसे और भी बना सकते हैं, सपोज दैट अब की बार हम माइनस कर ले रहे हैं, x माइनस y, तो आपको मिलेगा 2 माइनस 14, दैट इज माइनस 12।
तो आपको मिला x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, इट इज द सेकेंड इक्वेशन, इट इज द सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों आपकी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रो 2,14। यहां पर मैंने एक बार x प्लस वाई लिया, इन दोनों को प्लस किया, एक बार इन दोनों को माइनस किया। आप ये भी कर सकते हैं, आप 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई, या 3x प्लस 2y, 3x माइनस 2y। तो इस तरीके से हमारी जो लाइंस होंगी वो मैनी लाइंस आपकी हो सकती हैं। यहां क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट मैनी लाइंस, मैनी लाइंस विच पास, जो पास हो सकती हैं आपकी किससे, 2,14 से। रीजन क्या है, कहीं पर भी कोई पॉइंट है, ये 2,14 एक पॉइंट है, सिंपल 2,14। तो इस पॉइंट से जाने वाली लाइन जो पूछ रहा है वो एक ये भी हो सकती है, दूसरी ये भी हो सकती है, 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 ये भी हो सकती है। दैट मीन्स आपके पास मैनी डिफरेंट लाइन्स आर देयर विच के पास थ्रो 2,14। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ 3y इक्वल टू ax प्लस 7। एक आपको इक्वेशन गिवन है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, उस लाइन पर ये पॉइंट अवेलेबल है, लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, दैट मींस इट इज द सॉल्यूशन, दैट मींस इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो क्या करेंगे, इसमें ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, पॉइंट 3,4 लाई ऑन 3y equals to ax plus 7, so put x equals to 3 and y equals to 4। ये क्लियर है, ये वाली आपकी वैल्यू किसकी होती है, x की, और ये वाली वैल्यू किसकी होती है, y की। पहले हम पढ़ चुके हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो पुट कर दो x के प्लेस पर सिंपली 3 और y के प्लेस पर 4, तो 3 into 4 equals to a into 3 plus 7, तो 3 4 जा 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7 दैट इज 5 इक्वल टू 3a, देन a इक्वल टू 5 अपॉन 3, इट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a जो आपसे पूछा गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 4.3 के जो कुछ क्वेश्चन थे वो आपने सीखे, और इसके साथ साथ आपने ये देखा कि पर्टिकुलर एक लाइन से कितनी, पर्टिकुलर एक पॉइंट से कितनी इक्वेशन पास हो सकती है, वन लाइन पास हो सकती है, टू या मेनी डिफरेंट लाइन पास हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।